हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए धनिया और पुदीने की चटनी के अलग अलग वर्जन्स लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ दिखने में ही नहीं टेस्ट में भी डिफरेंट है। पंजाबी चटनी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करूँगी ग्रीन चटनी बनाने से। तो आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल माहिज डायरी में। तो प्रॉपर ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने पूरा एक बंच धनिया का लिया है और हाफ पंच मैंने लिया है पुदीना का। याद रखिएगा 2:1 रेशो लेनी है, तभी ग्रीन चटनी बनेगी, अदरवाइज डार्क कलर की बनती है फिर। तो चलिए, धनिया पुदीना मैंने मिक्सी में डाल लिया सारा। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, मैंने 2 ऐड करी हैं, आप अपने हिसाब से मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा काला नमक डाला है टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ, ये हमारी चटनी को ग्रीन बनाता है। ये 3 नींबू का रस है, मैंने 2 का ऐड करा है अभी, मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। इसमें मैंने आधी छोटी कटोरी पानी डाल दिया ताकि अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाए। बस अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, ये रेडी हो गई, देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, ग्रीन ग्रीन कलर। अगर आप पुदीना ऐड कर दोगे ना ज़्यादा तो ये कलर नहीं आता, फिर थोड़ा डार्क कलर की बनती है। सो बेटर है 2:1 रेशो यूज़ करो ऐसी ग्रीन चटनी के लिए। और अब ये जो चटनी बची है, इससे मैं आपको और 3 तरह की चटनी बना के दिखाऊंगी इसी से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच ये चटनी ले ली, इसमें मैंने दही ऐड किया है, दही वाली चटनी बना रही हूँ मैं। मैंने इसमें डबल दही ऐड करा है, 2 चम्मच मैंने पुदीना लिया था तो मैंने दही उससे डबल ऐड करा है। ऐसे करने के लिए आप सेम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए, आप चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो। ये चटनी स्नैक्स के साथ, कबाब, स्टार्टर सबके साथ बहुत अच्छी जाती है। चलिए अब मिंट मयो चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच मेयोनीस ली है और उसमें मैं वो ग्रीन चटनी जो बनाई थी 2 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ और बस मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही अच्छी मिंट मयो डिप तैयार होती है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप बहुत देर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। मैं तो इसे अपने फ्रिज की चिलर ट्रे में स्टोर कर लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड किया है क्योंकि मुझे इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो नींबू ऐड करो, कुछ भी जो भी अवेलेबल हो। चलिए अब ये जो चटनी बची है, इससे मैं आपको सैंडविच वाली चटनी बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे ये ब्रेड पे लगाओ ना तो वो ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्रेड को सौगी सौगी कर देती है। तो मैं इसको एक स्मूथ पेस्ट जैसे होती है, जैसे ठेले वाले यूज़ करते हैं, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो कैसी चटनी बनाते हैं मैं बताती हूँ। वो ये ब्रेड यूज़ करते हैं, वो ब्रेड के एजिज होते हैं ना उनके, जो वो डालते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे फीके बिस्किट यूज़ करो या फीके वाले रस यूज़ करो कुछ भी, या फिर पकौड़ियाँ जो घर में बूंदी होती है वो, या कोई भुजिया। बस हमें थिकनेस ही लानी है, बस वो चीज़ मीठी या उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, फीकी हो या नमकीन हो तो चलेगी। लीजिए, हमारी सैंडविच चटनी रेडी हो गई, देखो कितनी स्मूथ लग रही है ना, कितनी थिक स्मूथ स्प्रेड जैसी रेडी हुई है। मैंने इसमें प्रॉपर ब्रेड एक डाल दिया था तो वो ज़्यादा हो गया था, मुझे थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़ा इसमें। आप ध्यान से देख के ही डालना, मैंने बातों में पूरी ब्रेड डाल दी, देन आधी कटोरी पानी डाला मैंने, फिर जाके ऐसा स्मूथ स्प्रेड तैयार हुआ है। ये देखो कितने अच्छे से स्मूथली लग रही है ना, इस पर आराम से सिर्फ टमाटर लगाओ, खीरा लगाओ और बस बच्चों को दे दो, उनका तो फेवरेट होता है ऐसा सैंडविच। बस नमक और खट्टा इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेड डाली, थोड़ा सा पानी डाला तो फिर नमक थोड़ा सा कम लगता है। बस उसे एडजस्ट करके आपका ये स्मूथ सा सैंडविच चटनी स्प्रेड रेडी है। तो चलिए, ये चारों चटनियाँ जो मैंने आज आपको सिखाई, और ये है पंजाबी चटनी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये एक्चुअली 1 दिन पहले की बनी हुई है तो देखिए थोड़ा और कलर डार्क हो गया है, क्योंकि इसमें प्याज और इमली डलती है ना, इसलिए इसका अकॉर्डिंग टू टाइम कलर डार्क होता जाता है। और नींबू वाली में ये फ़ायदा, उसका कलर डार्क नहीं होता, वो ग्रीन ही रहती है, पर टेस्टी दोनों ही होती है। और ज़्यादातर घरों में पंजाब में इमली और प्याज वाली चटनी बनाई जाती है। तो चलिए, ये 5 चटनी आप बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये पंजाबी चटनी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ये मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये दही वाली चटनी है, दही मिंट कोरिएंडर चटनी स्नैक्स के लिए। ये है मेरी ग्रीन चटनी विद लेमन, और ये है कोरिएंडर मिंट मयो, ये सच में बहुत टेस्टी होती है। जिनको मेयोनीज डिप्स खानी अच्छी लगती है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है एक। और ये है हमारा सैंडविच स्प्रेड,
मिंट कोरिएंडर सैंडविच चटनी। तो चलिए इससे भी सैंडविच बनाइए, खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा उनको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।